अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की कभी आपसे बोर ना हो, हमेशा मजे लेकर बात करे, तो ये तीन गलतियां कभी भी मत करना, नहीं तो लड़की बोर हो जाएगी। और अगर लड़की बोर हो गई तो फिर वो आपसे बातें नहीं करेगी, और जो आप चाहते हो, समझ रहे हो ना आप उससे क्या चाहते हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो कि हम करते हैं और लड़की बोर हो जाती है, और वो है तब बात करना जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता। देखो, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप लड़की को कभी मज़े नहीं करवा पाओगे, और अगर आप लड़की को मज़े नहीं दे सकते, लड़की आपको कभी नहीं दे सकती फ्रेंडशिप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना मूड अच्छा रखना पड़ेगा, पहले अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, सो दैट कि आप लड़की को एंटरटेन कर पाओ, बातों में मजे दे पाओ, घुमाने फिराने में मजे दे पाओ, पैसे उड़ा पाओ। समझ रहे हो, पहले अपने आप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। लड़की को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लड़की को बस मजे चाहिए, बातों में मजे चाहिए, पैसों से मजे चाहिए, घूमने फिरने से मजे चाहिए, वैसे भी मजे चाहिए जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए पहले आपको अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। खुद की जिंदगी में कुछ नहीं है, फालतू चीजें, कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में, लड़की सेट नहीं होती। और अगर लड़की सेट होगी भी, अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी भी, तो वो भी आपके ही कहीं ना कहीं हैसियत की होगी। बुरा नहीं मानना दोस्त, हमारे हैसियत के हिसाब से जो लड़कियां हमें मिलेंगी, अभी ना मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से अगर बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा कुछ, अगर मैं अपने हिसाब से कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना, तो वो वैसी होगी जैसा मैं हूँ। तो पहले मेरे को ना अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, मेरे को लाइफ में पैसे कमाने पड़ेंगे, सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी, पहले मेरे को एक लेवल पर अपने आप को ले जाना पड़ेगा, सो दैट कि मैं अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर पाऊँ, वो विंडो तोड़ पाऊँ जहाँ पर अच्छी अच्छी लड़कियाँ निकलती हैं। समझ रहे हो, क्योंकि जो अच्छी लड़कियाँ होंगी वो कभी आप और हम जैसे लड़कों से बात नहीं करने वाली। दूसरी चीज़ याद रखना, हमेशा लड़की बोर हो जाएगी, ये चीज़ कभी भी घटिया हरकतें मत करना, और वो ये है कि कभी भी एक ही पॉइंट को बार बार नहीं मारना चाहिए, एक ही हथियार को बार बार नहीं घिसना चाहिए, नहीं तो वो समझ रहे हो कमज़ोर हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एक हथियार को बार बार जो घिसते हो ना, कमज़ोर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है ना कि हम कोई एक जोक मारते हैं और लड़की को बड़ा मज़ा आता है, तो हम उस जोक को ना मतलब एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो कीमत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई एक चीज़ है, कोई एक स्ट्रेंथ है जो कि लड़की को आपके ऊपर खींचे जा रही है, तो उसको ओवर यूज़ मत करो। जैसे कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक, और आपके पास पैसा अच्छा खासा है, तो ऑब्वियसली बात है लड़की आप पर अट्रैक्ट होगी ही होगी। लेकिन मेरा क्या मानना है, उस पैसे को बार 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 यूज़ मत करो, क्योंकि जो उसका एसेंस है ना वो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद ना, वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। कोई भी एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, जैसे कि वही बात है ना कि रोज़ रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाओगे, रोज़ रोज़ अगर मटन बिरयानी जो भी आपको अच्छा लगता है खाओगे, उससे आप बोर हो जाओगे। तो धीरे धीरे मज़ा देना चाहिए। और इसी पॉइंट में बहुत बार हमने वीडियो में बताया भी है, जो पुश एंड पुल का मेथड होता है, कि आप अगर किसी चीज़ अगर आप लड़की से बात करो, लड़की को आपसे मज़ा आ रहा है ना, तो बार 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 उसको स्ट्रेच मत करते जाओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना शुरू करो ना, आप लग जाएगी आपकी। लेकिन हमें सिखाया ही जाता है लड़की को ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा केयर करो, ज़्यादा ये करो, लड़की को ज़्यादा चाहिए ही नहीं। लड़की को आप जो चीज़ जितनी ज़्यादा दोगे, लड़की उस चीज़ से बोर हो जाएगी और उस चीज़ में कमियाँ निकालना शुरू कर देगी भाई। तो हद से ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी चाहिए जब तक चीज़ें सेट नहीं हो जाती। गर्लफ्रेंड बन जाती है, मैं बोल रहा हूँ भाई तो कुछ भी कर, लेकिन जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तब तक हद से ज़्यादा मत ओपन हो, हद से ज़्यादा चीज़ें मत रिवील करना शुरू करो। अपने लाइफ की सारी चीज़ें तुम दे ही दोगे तो फिर बचेगा क्या, समझ रहे हो, अपने लाइफ की सारी स्टोरीज बता ही दोगे तो फिर बचेगा क्या आगे के लिए। धीरे धीरे अपने जो एफर्ट्स हैं उनको लगाओ, धीरे धीरे जो आपका हथियार है उसको छोड़ो, धीरे धीरे अपने पॉइंट्स को आगे लेकर आओ, ठीक है। अचानक से सब कुछ दे दोगे तो लड़की आपकी ले लेगी, बस यही बात है। तीसरी चीज़ जो कि आपको कभी गलती नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ लड़की आपसे बोर हो जाएगी, और वो है उसकी औकात से ज़्यादा उसको भाव देना। कभी लड़की को उसकी औकात से ज़्यादा भाव नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़, कभी लड़की को उसकी खूबसूरती की वजह से भाव नहीं देना चाहिए। आई नो ये ह्यूमन टेंडेंसी और ये आ ही जाती है, अगर कोई इंसान खूबसूरत है तो हम ये भी मानना शुरू कर देते हैं कि वो अंदर से भी अच्छा होगा। अगर कोई इंसान दिखने में अच्छा है तो हमारे माइंड में ना ये चीज़ आ जाती है कि इसको तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके पास जैसे कि कुछ है और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि ये है ना कि कोई बंदा अंग्रेजी बोल रहा है तो यार ऐसे नहीं होता। कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान होगा ही होगा, टीचर लोग भी होते हैं। कोई लड़की दिखने में बहुत प्यारी है, बहुत हॉट है, ज़रूरी नहीं वो अंदर से होगी, और वो जब जाके बात करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो पहचानने के लिए फिर अगेन आपको उस हद तक जाना पड़ेगा। कुछ लड़कियाँ होती हैं बिल्कुल इलॉजिकल होती हैं भाई, उनसे सिर्फ तुम इसीलिए बात करते हो क्योंकि वो बस दिखने में अच्छी है। अगर वो दिखने में अच्छी ना होती ना,
तुम 2% का भाव ना देते, तुम्हारे आसपास कितनी ऐसी लड़कियों की होंगी ना। और इतनी एक कुछ ग्रुप ऐसा भी होगा लड़कियों का, या कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी आपके लिस्ट में जो कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो दिखने में अच्छी होती, ओए होए क्या बंदी होती, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, बात अच्छे से करती है, हेल्पिंग नेचर है, वो लाइफ में ग्रो भी कर रही है, लेकिन बस वो दिखती अच्छा नहीं है। तो भाई एक अगर मेरे से कोई तुम क्या बोलते हैं तड़का लेके जाना चाहता हो, वो ये लेके जाना, कभी लड़की को उसकी खूबसूरती पे भाव मत देना। इससे क्या होता है ना, आप खुद को बर्बाद करना शुरू कर देते हो, और अगर वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन भी जाएगी ना, वो छोड़ के आपके चली जाएगी। और अगर गर्लफ्रेंड बन भी गई तो आपको सेक्स से ज़्यादा उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर सेक्स इज़ दी वन थिंग दैट यू वॉन्ट, तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स लो। लेकिन एक और चीज़ तुम्हें इसी लगे हाथ बता देता हूँ, सेक्स करके भी तुम कुछ नहीं ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। ये जो ये जीवन है ना, ये काम वासना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोज़ परेशान करेगी, क्योंकि काम वासना बनाई गई है बच्चे पैदा करवाने के लिए, ठीक है। तो भगवान को नहीं पता था तुम कब सेक्स कर लोगे, नेचर को नहीं पता था तुम कब सेक्स करोगे, तो आपको रोज़ आपको हवस देती है ना इंसानों को, क्योंकि वो किसी को भी किसी रोज़ सेक्स कर ले, बच्चा कर ले, क्या पता, तो करता है, तो रोज़ वो चीज़ें लगी रहती है। आपको लगता है कि मैं सेक्स कर लूँगा उसके बाद फोकस करूँगा अपनी लाइफ में, एक बार मैं सेक्स कर लूँ फोकस करूँगा, ऐसा नहीं होता। वो आप कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन हवस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, लालच आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, जो ये प्रवृत्तियाँ हैं हमारे शारीरिक, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप चेतना हो, चेतना का विस्तार करो, कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, है ना, इन चक्करों में मत पड़ो। तो मैं ये नहीं बोला लड़की मत पटाओ, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, लेकिन लड़की की चेतना देखो, चेतना मतलब लड़की का दिमाग देखो, आईक्यू देखो, बुद्धिमत्ता देखो, किस हिसाब से वो सोच रही है। और ये और बता देता हूँ, अगर आप 25, 26, 27, 28 यानी कि अगर आप शादी वाले एज में पहुँच रहे हो ना, तो हमेशा लड़की की बुद्धिमत्ता ही देखना, लड़की की अच्छाई अंदर से देखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो। आपका जो ये दिन में तो क्या ही कर पाओगे, इतने तो तुम हो नहीं मर्द, अभी नहीं किया होगा तो तुम हवाबाजी कर रहे हो, जब करोगे तो फिर 5 मिनट पे एनीवे। तो मेरा कहने का मतलब है, हफ्ते में 1-2 घंटे की जो काम वासना आपकी होगी, उसकी वजह से अपने बाकी के जो आपके रोज़ के 20 घंटे होंगे, 22 घंटे होंगे, आपके जो जितनी ज़िंदगी होगी उसको बर्बाद मत कर लेना, ख़त्म हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और आजकल ऐसा है कि लड़कियां सीधे मुंह पे बोलती हैं, जो बोलती हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। अभी तक तो हमने लड़कियों को बड़ा धमका के और उन पे बड़ा प्रकोप अपना चलाया, लेकिन अब हमारी चलती नहीं, क्योंकि लड़कियां कमाना शुरू कर दे रही हैं, लड़कियां खुल गई हैं, लड़कियों के पास भाई सपोर्ट है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अब तुम नहीं अपना मेल डोमिनेंस दिखा सकते, कुछ भी नहीं चलता। तो कुल मिला के लड़की कम इंसान ज़्यादा देखो, और ऑब्वियसली बात है, मैं मानता हूँ तुम कह सकते हो कि भाई मज़ा तो उसी लड़की के साथ आता है सेक्स करने में जो कि खूबसूरत होती है, तो मैं एक चीज़ में आपको बता देता हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, ऐसा है ही नहीं दोस्त। सेक्स हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्यूटी, द लुक्स, ऐसा नहीं होता। और ये चीज़ें लड़कियाँ भी बोलती हैं, मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जो कि बोलती हैं कि वो लड़का बड़ा हॉट था, बट वो तो मुझे क्या पता था वो ऐसा निकलेगा। कहने का मतलब पता, समझ रहे हो क्या कह रहे हो, कि लड़का हॉट था तो हमें लगा कि ही विल डू समथिंग ग्रेट, बट ही डिडंट परफॉर्म वेल। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई लड़की दिखने में अच्छी है, इफ़ यू थिंक कि भाई मैं कुछ करूंगा और मुझे बड़ा मजा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तो अब ये टॉपिक कहीं ना कहीं हम सेक्स कैसे करते हैं, सेक्स पे घुस जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, यहीं भी वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन बस जो 2-3 चीज़ें बताई हैं और जो बीच बीच में जो कुछ हिडन पॉइंट्स बताए हैं, जो इन बिटवीन लाइन्स, रीड इन बिटवीन दी लाइन्स वाली जो चीज़ें होती है ना भाई, वो पढ़ लेना, मज़ा ही आ जाएगा, ऐसे ही काट दोगे। वीडियो को लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।